बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आप की खिदमत में एक खूबसूरत टोयोटा हाइस ग्रैंड कैबिन गाड़ी की वीडियो लेकर हाज़िर हुए। कसूर से आए हैं हम बंदे गाड़ी लेने, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके गाड़ियों के क्या रेट चल रहे हैं। गाड़ी चेक करें, टोयोटा हाइस ग्रैंड कैबिन 228 है, मॉडल इसका है जी 2010 और 15 की रजिस्टर्ड है। ये जनाब इसकी फ्रंट लॉक है और गाड़ी जो है चेक की है इन्होंने भी, मैं भी अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो TR 228 और बाकी सील बाई सील गाड़ी जो है इन्होंने, नंबर लाहौर का है जी। और इसके अलावा ये इसकी रूम की कंडीशन है जी, बिल्कुल साफ रूम पड़ा है। ऑटोमेटिक गेयर है, 2TR 2700 इंजन है और AC वर्किंग में, ज़बरदस्त कंसोल लगा है और सीट भी इसकी कंसोल चुकी ये कंसोल भी है और सीट भी है। इसके अलावा डबल LCD है। रूम कंडीशन साफ है जी, 18 सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर और गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे ही चली है। गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं, डोर ऑटो है जी। लायर हम लगे हैं गाड़ी को, अगले टायर तकरीबन इसके जो है 50% है, 50-60% है तकरीबन लायर में। खूबसूरत पिछले टायर नया है जी, ये चेक कर लें। बाकी जो है माइनर टचिंग है साइडों पे, नहीं तो गाड़ी जो है ओवरऑल टोटल जेन्युइन हालत में है। और बैक साइड पे इसके जो है ना खूबसूरत स्टील बम्पर और छत वगैरह लगी है। इसके अलावा ये इसके दूसरी साइड है, राइट साइड। ये कसूर से भाई आए हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए, अब देखते हैं कि सौदा होता है या नहीं होता या क्या सिचुएशन है। गाड़ी आपको दिखा दी अंदर बाहर से। वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये होता है कि जब भी आप कोई इस तरह की गाड़ी ले तो आपको पता होना चाहिए कि इस मॉडल कोटे का क्या रेट चल रहा है। 44 लाख डिमांड है जी मालिक की, और हो सकता है इसमें जो है थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए जी। तो गाड़ी की ट्राई ले रहे हैं, ये भाई हैं, भाई अहमद हैं, और ये गाड़ी चला के चेक करवा रहे हैं। गाड़ी में माशाल्लाह से कोई काम नहीं है। जी तो ये खाना खा रहे हैं भाई, कसूर से आए गाड़ी देखने के लिए, सौदा अभी नहीं हुआ और मैंने कहा भाई खाना खा लें, सौदा होता रहेगा। अपने को रख लगा कल जोड़ा यह वर्के मेरे को लैके जाओगे ना, इन्हों का मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं रिसीविंग दे के जाओगे ना, गल नहीं समझते फिर लै जाओ फाइल एक्साइज चेक करवाओ, जिथे दिल कर दें चेक करवा लेना, कोई ये वादा घाटा है, मैं जिम्मेदार ठीक हो गया। कोई वर्का बेस होया मैं जिम्मेदार हूँ। असल बुक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। असल बुक जी होंगी वो चीज़ा होंगे, सुराख होंगे, तुम समझ लो ठीक है, ठीक हो गया ना, डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट तो सुराख नहीं होना, ठीक है, ठीक हो गया। यह चीज़ आ गई, बाकी अजे तो नाम हुई फिर वह शाम लग गया नाल, फिर जिसे नाम हुई वह शाम लग गया नाल, ठीक हो गया। यह चलान लिस्ट हैगी है, ठीक है, ठीक हो गया। यह चलान फार्म है, ठीक है, ठीक हो गया। यह वो जी खरीद है जो खरीदी गई गाड़ी, कस्टम फाइल जो नंबर है ना, यानी कि जिथे खरीदी गई है किन्ने रुपए के कितों पूरी तो सारी है, ठीक है। बिल्ला फैक्ट्री की है, बिल्ला फैक्ट्री, अच्छा। ये एक्सपोर्ट हैगी आ जापान का, एक पेपर होंगे जो जापान का होंगे, यह वाहद पेपर जो जापान चो आता, बाकी सारे तो कराची पोर्ट से लगते हैं, ठीक है। मेन पेपर है सही है। हेलो हाँ इरफान, मैं एक मिनट यार, पासपोर्ट जिसे पासपोर्ट तक आई है गड्डी, जिसे नाम इंपोर्ट हुई है, हाँ जिसे नाम, हाँ जिसे नाम आई है गड्डी, एक मिनट यार मैं गड्डी का सौदा कराई खलोता, जरा फाइल चेक करा लवा। ठीक हो गया, वो पासपोर्ट की कापी आ गई। कराची कंपनी का लैटर है, इनवाइस है, कमर्शियल इनवाइस है, भी इनवाइस आ गई। सिंध जहाज चलान, हाँ भी चलान चार हाथ सेल टैक्स इनवाइस आ गई है, ए सेल टैक्स इनवाइस है। ठीक हो गया। ऐप जो जहाज जितों लैंड हुई है ना, ये वो जहाज दी है, बिल ऑफ लैंड। ठीक हो गया। जापान का कागज है वीडियो कैश पेमेंट है, किसी और नु चेक करनी पवे तो कैश जेड़ा तुसी उथे ड्यूटी देंदे हो ना, ठीक है, ये ओदी रसीद कराची पोर्ट पे। अच्छा, ये भी ओदी है। ठीक हो गया। बस बाकी आईडी कार्ड जेदे जेदे नाम ने उन्हां दे आईडी कार्ड लगे ने, ए टोकन आ गए, पासिंग आ गए। समझ आई है। ए जनाब ये अलग रूट आ गया, असल ये ऐसा रूट है, एक ही रूट है, असल रूट आ गया। कितों तो डेट की एक्सपायरी, यदि एक्सपायरी है वा 12 जून 2023, 13 जुलाई 2023। ठीक है। ठीक हो गया। पहले तो 13 जुलाई तक ये 25/5/2023 है लास्ट डेट दी। अच्छा, एक्सपायर हो गया ये तो, फिर रूट एक्सपायर हो गया। क्यों रूट तो एक्सपायर हो गया? किवें एक्सपायर हो गया? ए 8वां महीना चल रहा है जी। ये गाड़ी का सौदा हुआ है जी, 7170 गाड़ी का नंबर है जी, और ये टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबिन 228 है। और इन भाई साहब ने ली है, ये सजाद शाह हैं, कसूर से हैं, और ये भाई अहमद है, साथ में बैठे भाई। हाँ जी, किस तरह सौदा है जी? हमारा सौदा हुआ है भाईजान 40,50,000 रुपये में। कितना? 40,50,000 रुपये। अच्छा जी। और अभी भाई ने हमें दिया है 31,50,000 रुपये। ठीक हो गया। 11 लाख रुपये ये बताया कि इन्होंने। ठीक है। आज डेट है 3/4, डेट है, आज 4 डेट है। ठीक है। महीना है 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023 को। ठीक है। बाकी 11 लाख रुपये इन्होंने देना है 7 अगस्त 2023 को। ठीक है। और अपनी फाइल लेनी है। ठीक है। फाइल आपके पास है? फाइल हमारे पास। गाड़ी ये लेके जा रहे हैं? गाड़ी ये लेके जा रहे हैं। गाड़ी इनके नाम पे करवा, इनके नाम पे करवा दी हमने। ठीक है। फाइल सिर्फ हमारे पास है सर, और इससे पहले गाड़ी हमारे पास है, रूट टोकन पासिंग क्लियर है गाड़ी का। ठीक है। गाड़ी के असल नंबर प्लेट इनके हवाले कर दी है। ठीक है। गाड़ी इनके हवाले कर दी है। आज से पहले 4 अगस्त से पहले बावक्त शाम रात टाइम हो गया जनाब 7:30 हो गए। ठीक है। आज से पहले का कोई मार्केट चोरी डकैती लेन देन किसी भी मसले में गाड़ी मुलवस हुई उसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक है। और आज के बाद कोई भी किसी भी किस्म का कोई नुकसान वो शाह साहब हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। भैया ये गाड़ी जो है मैंने 42,50,000 में खरीदी है अहमद भाई से। 31,50,000 रुपये दे दी है, और 11 लाख रुपया जो रहता है जो कि सोमवार को दे देंगे, और फाइल जो है वो ले लेंगे। ठीक है। बाकी गाड़ी आपके नाम कर, बाकी गाड़ी जो है वो मेरे नाम होगी है। जब फाइल 11 लाख देंगे तो बाकी फाइल भी हमें जो है दे देंगे। ठीक है। जी तो गाड़ी भाई ने ख़रीद ली है। ये भाई हैं, अभी सामान इनका पूरा कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, और इनको मुकम्मल चेक करवा दिया है। राड, जैक, पाना, हर चीज़, स्टपनी, हर चीज़ इनको दे दी है साथ में। और अभी ये तैयारी करने लगे हैं जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। हाँ पहले बाहर सर, कार बाहर मोटरसाइकिल साइड पे आओ, मोटरसाइकिल। ये जी गाड़ी हमने दे दी है इनको, अभी ये जा रहे हैं कसूर के लिए। ऑटो गेट गाड़ी है जी। इनको लेट इसलिए हुई है कि आज इनकी जो पेमेंट आनी थी ना वो लेट हो गई। पेमेंट की वजह से जुमा था इसलिए हाफ डे था और बैंक तो 5 बजे तक खुले होते हैं, लेकिन सौदा जो है वो लेट हुआ और फिर जो है इनकी पेमेंट लेट आई, इस वजह से लेट हो गई। तो ये भाई अभी जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की तफसीली वीडियोस देखने के लिए और गाड़ियों के रेट्स वगैरह चेक करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।